चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो उसकी बगल में बेल का आइकन है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की भागम भाग की ज़िंदगी में आदमी की अनियमित दिनचर्या हो गई है, खान पान गलत हो गया है। इससे क्या हुआ? आदमी का मोटापा बढ़ गया है। आप जानते हैं मोटापा, आप जानते हैं क्या होता है? सारी बीमारियों की जड़ है, सारी बीमारियों का जड़ है। तो मोटापा नहीं आना चाहिए। अगर मोटापा आ गया तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी आधी बेकार है। तो मोटापा को कैसे दूर किया जाए, आप जानते ही हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ता क्यों है? अब जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल फिजिकल लेबर रहा नहीं है, सब कुछ काम जो है मशीनों से होने लगा है। कहीं जाते हैं मोटरसाइकिल से, बाइक से, कार से जाते हैं, पैदल तो चलना तो आदमी ने छोड़ ही दिया है, साइकिल चलाना छोड़ दिया है। जब आप फिजिकल लेबर नहीं करेगा, साइकिल नहीं चलाएगा, पैदल नहीं चलेगा, तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। और खान पान गलत हो गया है, ब्रेड बिस्किट इत्यादि खाते हैं, तो ये क्या है कि इससे जो है आदमी का मोटापा बढ़ता है। चर्बी युक्त अधिक भोजन का करना, ये जो है मोटापा की बहुत बड़ा जड़ है। अगर आप करते हैं, अगर उसके हिसाब से आप फिजिकल लीवर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ज़माने में आप जानते होंगे पुरखे लोग खूब घी खाते थे, लेकिन परिश्रम करते थे, फिजिकल लीवर करते थे, तो मोटापा नहीं आता था। लेकिन आजकल खाना तो चाहते हैं, लेकिन जो है परिश्रम नहीं करना चाहते, फिजिकल लीवर नहीं करना चाहते, इसलिए मोटापा आता है। तो दोस्तों, मोटापा एकदम कैसे कम किया जाए? मोटापा के लिए हम एक ऐसा नुस्खा आपके लिए लाए हैं जो देसी नुस्खा है और जिसका कोई भी दोस्तों साइड इफेक्ट रत्ती भर भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। और आपका मोटापा बिल्कुल एक हफ्ते में ही जो है आपका असर दिखाई पड़ने लगेगा, आपका वजन कम होने लगेगा। अगर आप एक महीने तक 25-30 दिन तक करेंगे तो कम से कम नहीं आपका 10 किलो वजन घट जाएगा, कम हो जाएगा, मोटापा घट जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, इसमें तीन चीज़ें हम शामिल करते हैं और जो हर जगह उपलब्ध हैं। एक तो आप देख लीजिएगा, ये घृत कुमारी स्वरस, ये देखिए, ये जो पतंजलि का है घृत कुमारी स्वरस, जिसे आप एलोवेरा जूस भी कहते हैं। एलोवेरा जूस आप जानते ही होंगे, ग्वार का पाठा जिसे कहते हैं, जो आप हर घर में आप गमले में लगा सकते हैं, लगाया जाता है। तो ये जो है आपको आराम से मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, पतंजलि की दुकान में मिल जाएगा, ये घृत कुमारी स्वरस यानी एलोवेरा जूस, इसका हम यूज करेंगे। और दोस्तों, एलोवेरा जूस आप जानते ही कितना फायदा है, ये कम से कम नहीं 100 बीमारियों को दूर करता है, बहुत ही फायदेमंद है। आपकी चोट से संबंधित, आपकी ब्लड प्रेशर से संबंधित, आपकी आयरन की कमी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये सारी चीज़ों को मतलब ये बढ़ाता है और बीमारियों को दूर रखता है आपकी बॉडी से, बहुत ही फायदेमंद है। इसको तो आपको डेली ही यूज करना चाहिए। पहली सामग्री हमारी है आपका एलोवेरा जूस, जिसे घृत कुमारी स्वरस कहते हैं, ठीक है। दूसरी सामग्री हमारी है आपका आंवला सरस, आंवला जूस, ये देखिए पतंजलि का है आंवला सरस। आप जानते हैं कि आपके च्यवनप्राश में, डाबर च्यवनप्राश में 80% लगभग जो आंवला ही होता है, और आप जानते हैं आंवला जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और जो है ये बुढ़ापा नहीं आने देता है, बालों हमेशा काला रखता है, बहुत ही फायदेमंद है, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और इसके साथ साथ में इससे मोटापा भी घटता है। तो बढ़े हुए वजन को ये नियंत्रित करता है, बहुत ही फायदेमंद है और इसका तो डेली ही नियमित सेवन करना चाहिए। ये भी पतंजलि का है आंवला सरस, आंवला आपका आंवला जूस। तीसरी सामग्री है हमारी ये गोधन अर्क, आप जानते हैं गोधन अर्क, ये पुराने जमाने में प्राचीन काल से लोग जो है जिसे आप गाय की पेशाब कहते हैं, गोमूत्र कहते हैं, तो ये पीलिया के लिए रामबाण औषधि है, आप लोग जानते हैं। तो पहले ज़माने में क्या करते थे कि किसी को पीलिया हो जाता तो आराम से जो है इसको देते थे और जैसे और तो जो है बिल्कुल ठीक हो जाता था, जड़ ठीक हो जाता। आज भी जो पीलिया में इसका यूज करते हैं तो बिल्कुल जड़ चली जाती, पीलिया फिर कभी नहीं होता है।
बहुत ही फायदेमंद है और ये हमारे क्या नाम आपके पेट को भी सही रखता है, लीवर को सही रखता है और बढ़ी हुई चर्बी को जो है नियंत्रित करता है, ये बढ़ने नहीं देता है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, आप इसका यूज करें। हम तीन चीजों का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम सबसे पहले आपका एलोवेरा जूस एक चम्मच इसमें मिलाते हैं। ये देखना मैं मिला रहा हूं, ये देखिए मैंने मिला दिया है, ये हमने एलोवेरा जूस मिला दिया है। उसके बाद में हम आंवला जूस इस प्याली में एक जो है चम्मच मिला देते हैं। देखना ये मिला देता हूं, आंवला जूस मिला दिया, ये आंवला जूस मिला दिया है। उसके बाद में ये गोधन अर्क, आप देख रहे होंगे पतंजलि का है गोधन अर्क, एक चम्मच हम मिला देते हैं। देखना ये मिला दिया, इसको हमने मिला दिया है। दोस्तों आप जानते हैं इसमें हमने क्या क्या मिला दिया है, आपका आंवला जूस मिला दिया है, एलोवेरा जूस मिला दिया है और गोधन अर्क मिला दिया है, तीनों समान भाग मिला दिया है। इसको सुबह आप खाली पेट फ्रेश होकर के आप इसको पिए, शाम को भी आप जो है खाना खाने के पहले आप इसको करीब आधा घंटा पहले आप डेली पिए, इससे आपका जो है वजन जो है बहुत तेजी से घटेगा। खान पान थोड़ा ध्यान रखें, आप जो है खान पान में सादा भोजन करें, हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें और इससे क्या होगा आप देखेंगे 10-15 किलो एक महीना में वजन कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत टहलने की भी कोशिश करें, आप जो है सुबह सुबह आप थोड़े सफर करें, रास्ते में कहीं आप कोई काम करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, पैदल जाने की कोशिश करें, साइकिल से जाने की कोशिश करें और इससे क्या होगा आपका वजन घट जाएगा और जानते वजन घट जाता है तो आधी बीमारियाँ आपके शरीर से गायब, क्योंकि आप जानते हैं सारी बीमारियों की जड़ क्या हो, मोटापा। तो मोटापा जब घट जाएगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपका हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द, ये सब दूर हो जाएंगे और इसके साथ साथ में आपका वजन तो घटेगा ही दोस्तों, इसके साथ साथ में आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, हार्ट की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। बहुत ही फायदेमंद है और आपकी इसके साथ साथ इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, जिससे आपकी विभिन्न प्रकार की जो बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं, वायरस संबंधित बीमारियां हैं, वो भी सब आपके शरीर से दूर रहेंगे। बहुत ही फायदेमंद है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी मार्केट में ना मिले, इसको तो आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप पतंजलि के स्टोर से, आप आयुर्वेद की दुकान से ले सकते हैं और बहुत सरल है, सस्ता है, कोई आपको डॉक्टरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, एलोपैथिक दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ेंगी, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है और आप देखेंगे आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, चेहरे पर चमक रहेगी, शाइनिंग रहेगी और आपका वजन जब कम होगा तो आपकी बॉडी स्फूर्तिवान रहेगी। दोस्तों ये करके देखना, बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है और आप हंसेंगे लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आजमाया हुआ है, 100% आपका वजन 100% कम होगा, आप करके देखना। दोस्तों इस नुस्खे को कम से कम एक महीना प्रयोग करें, अगर एक महीने से ज़्यादा भी प्रयोग करते हैं तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है और आप नियमित रूप से अगर आप सेवन करते तो आपको मोटापा कभी भविष्य में आएगा ही नहीं। आप जो है अपने घर में हर एक सदस्य को इस नुस्खा का प्रयोग करें तो हर एक सदस्य जो है बीमारी से दूर रहेगा और जो है अपने दोस्तों को भी बताएं, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। अब मैं पुनः अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।